नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ। इस ट्रेड फेयर में देश विदेश के अलग अलग कंपनियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग देश की खास चीज़ों ने, विशिष्ट नमूनों ने, अलग अलग तरह की कारीगरी कलाकारी ने हिस्सा लिया और अपने स्टॉल लगाए हैं। यही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंपनियों ने और अलग अलग तरह की कारीगरी को भी इस प्रगति मैदान के इस ट्रेड फेयर में जगह दी गई है। हम आपको ले चलेंगे उन स्टॉल्स तक और दिखाएंगे कि क्या खास है इस साल के ट्रेड फेयर में। से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्देश्य रहा है व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय विशिष्ट कलाओं को सफल रोजगार का माध्यम बनाते हुए इसे वैश्विक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना। अलग अलग राज्यों से हस्तकलाओं के कलाकार कारीगर भी इसी सपने को लेकर ट्रेड फेयर का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनके सपने की उड़ान को लगाम लग जाती है जब उनकी मजबूरियां सामने आती हैं। आइए आपको ले चलते हैं बिहार पवेलियन में आई नाज़दा खातून के पास। बहुत आशा, बहुत उम्मीद से जब नाज़दा खातून ने गांव वालों को सी की कला सिखाना शुरू किया तो एक दो दिन तो गाँव की महिलाओं ने खूब उत्साह दिखाया। दोपहर के वक्त उनके घर का आंगन आस पड़ोस की औरतों से भरा रहता। नाज़दा खातून खुद के कामों से वक्त निकालकर उन्हें बड़े लगन से सी की कला सिखाती। जो अब गांव में केवल उनकी और उनकी बेटी के हाथों की ही शान है। लेकिन कुछ ही दिनों में नाज़दा खातून का आंगन धीरे धीरे खाली होने लगा। एक एक कर औरतों ने आना बंद कर दिया। सी की कला सीखने में आनाकानी करने लगी। वजह, सी की कला सीखने और उससे माल तैयार करने में बहुत समय लग जाता था। हालांकि ये कला गांव के मिट्टी में रची बसी है, लेकिन इसकी खुशबू गुम हो गई। इसे संजोना संभव नहीं हो पाया। हम बहुत आदमी के सिखाए हैं और एक कार्ड भी सिखा सिखा करके, ये पैसा नहीं कुछ नहीं, एक किलो के हिसाब से लेते हैं सिक्की और सब महिला को कहते हैं तुम सीखो, तुम सीख लोगी तो हमारे भी फायदा होगा। महिला लोग उतना सीख नहीं पाती है, देहात है, किसी गाय किसी माल जाल पोसे, तब भी डलिया बनाने का उन लोगों को थोड़ा सिखा दिया। छोटा छोटा डलिया बना लेती है, मगर महिला लोग कहते हैं कि लाओ बना करके, या चाहे तुम ही लोग जाओ बेचो, हम लोग देते हैं बना करके, नहीं आ सकते। सीकी कला का हुनर गांव वालों के हाथों से छूटता जा रहा है। ये गांव वालों के जीवन व्यापन का जरिया बन पाए ऐसा संभव नहीं हो सका। गांव की औरतें नाज़दा खातून से कहती हैं कि जितने वक्त में वो सीकी कला सीखकर एक शोपीस या कोई दूसरी चीज बना पाएंगी, उतने दिन अगर वो किसी के खेत पर मजदूरी करेंगी तो उससे ज्यादा पैसा आएगा और परिवार के आय में बढ़ोतरी होगी। ये नारियल का गाछ है, ये बनाए हैं, एक महीना समय लगा, मगर अभी 4000 उसका दाम कहेंगे तो किसी कहेगा वाह इतना दाम, मगर 4000 अगर किसी किसान खेत में जाएंगे तो जरूर है कि 100 रुपया का रोज जरूर देगा। उनके घर आने वाली औरतें गांव में ही सेंटर की मांग करती हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से कला को सीख पाए और उनकी कुछ न कुछ आमदनी रोज हो जाए। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ सेंटर ले जाने की बात अभी दूर ही है। नाज़दा खातून खुद का कच्चा माल और समय देकर भी इस कला को निपुण हाथों में सहेज नहीं पाएंगी, इस बात का उन्हें बेहद अफसोस है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बिहार पवेलियन में बैठी नाज़दा खातून टी कोस्टर बनाते हुए आते जाते लोगों को बिहार की सीकी कला से बड़े शौक से परिचय करवाती हैं। सीकी कला के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में गर्व होता है, लेकिन पूछने वाले के मुड़ते ही आंखें निराशा से लबरेज हो जाती हैं। दरअसल पूरे दिन लगाकर सीकी कला से बनाई गई
एक टी कोस्टर की कीमत मात्र 50 रुपए है। इसमें ये तो 3 रोज बनाते हैं तो इतना वो सामान होता है, तो 3 रोज का तो मेहनत कोई दे नहीं पाता, तो किसी तरह 150, 200, 250 में जो बिकने वाला है। देखने में बेहद खूबसूरत ये सीकी कला के क्राफ्ट की नाजदा खातून माहिर है। ये पटना के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षित लोगों से भी ज्यादा बेहतर क्राफ्ट बना सकती हैं, लेकिन वो अपनी कला की क्षमता से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। नाजदा खातून देवी देवताओं की मूर्तियां छोड़कर केवल वैसी ही चीजें बनाती है जो शहरी कामकाज या मांग में शामिल हो सके। अब साल में 2 ही प्रदर्शनी कर पाती हैं, क्योंकि साल भर में भी इतना माल तैयार नहीं हो पाता कि हर प्रदर्शनी में अपनी कला प्रदर्शित कर सके। 31st इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अलग अलग राज्यों के पवेलियन में वहां लगे बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉल और हस्तकलाओं के स्टॉल वहां की समृद्धि का परिचय देते हैं। 31st इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के थीम इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स द मैजिक ऑफ गिफ्टेड हैंड्स की सार्थकता का एक नमूना आपको पेश करते हैं। चलते हैं त्रिपुरा पवेलियन की तरफ। त्रिपुरा के बैम्बू आर्टिस्ट सुभाष का स्टॉल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2011 में पहली बार लगा। काफी प्रसन्न हुए सुभाष जब उन्हें 5000 पीस बैम्बू के मिठाई डब्बे का ऑर्डर एक एक्सपोर्ट हाउस की तरफ से मिला। लेकिन निराशा तब हुई जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास ना तो इतने कारीगर हैं और ना ही इतना रॉ मटेरियल है जिससे एक महीने में ऑर्डर का माल तैयार कर सके। अपनी क्षमता के मुताबिक सुभाष ने 400-500 पीस देने की बात कही, पर एक्सपोर्ट हाउस की डिमांड के अनुसार ना होने की वजह से ये ऑर्डर उनके हाथ से निकल गया। लिमिटेड रिसोर्सेज और प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्टिजन्स की कमी की वजह से सुभाष का ट्रेड फेयर में आना सफल नहीं हो पाया। हस्तकला से जुड़े कलाकारों की समस्याएं बड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रदर्शनी लगाने भर से उनकी समस्याओं का निदान संभव नहीं है, और जब तक उनकी मूल समस्या का निदान न होगा तब तक ये प्रदर्शनियां बाहर से आने वाले बिजनेस डेलीगेट्स और देखने वाले लोगों के लिए केवल देखने और सराहना करने भर की वस्तु बनकर रह जाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो ट्रेड फेयर में अपने पुश्तैनी काम को लेकर आए हुए हैं, लेकिन उन्हें डर है कि उनके पुश्तैनी काम की साख कहीं खत्म ना हो जाए। उत्तर प्रदेश के खुर्जा के वहीदुद्दीन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2011 में अपना पुश्तैनी काम लिक्विड मेटल ऑक्सीडाइज पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाकर बैठे हैं। वहीदुद्दीन फ्लावर वास, क्रॉकरी और दूसरी चीजें बनाकर उन पर ऑक्सीडाइज पेंट करते हैं। यही उनका पुश्तैनी काम है। वैसे तो ये काम 400 साल पुराना है, लेकिन धीरे धीरे इसकी साख खत्म होती जा रही है। कभी इस कला का गढ़ माने जाने वाले खुर्जा में अब लगभग 20 ही ऐसे कारीगर बचे हैं जो इस सुपर फाइन वर्क को करते हैं। वहीदुद्दीन के दादा परदादा ने इस काम को खुदा की इनायत समझकर किया था, लेकिन वहीदुद्दीन ने BSc करके नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से इस काम को अपने हाथों में लिया। हालांकि वो इस कला को प्रेम से करता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसमें रुचि दिखाएगी उसे ये संभव नहीं लगता है। तो इसमें काफी यूनिट हैं, क्योंकि इस काम से जुड़े हुए काफी लोग हैं कुल मिलाकर, तो पॉटरी से रिलेटेड जिसमें और भी टाइप के आइटम बनते हैं, करीब 10,000 कारीगर काम करते हैं। लेकिन इस इतने बारीक काम को कुछ ही लोग हैं, गिने-चुने परिवार वाले हैं जो ये काम करते हैं। नए लोगों की इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, आजकल आदमी हर कोई कलाकारी में जा रहा है, पैसा कमाने पर जा रहा है, इसलिए इस लोग में कम लोग जो पुराने लोग काम करने वाले हैं बस वही जुड़े हुए हैं। वहीदुद्दीन कहते हैं कि ये युग कंप्यूटर का है और बच्चे अपना मनपसंद करियर चुनने के लिए आजाद हैं, और वैसे भी इस कला को लेकर इलाके में कोई जागरूकता लाने की ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है जिससे जनरेशन नेक्स्ट इस कला में रोजगार की संभावनाएं तलाश कर सके। फिलहाल वहीदुद्दीन अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में अपने पुरखों की शान
इस कला की निपुणता को नहीं दे पाएंगे। इसका अफसोस उन्हें बेहद सालता है। 21st सेंचुरी के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लोगों को जोड़ने का पावरफुल मीडियम है बिजनेस। अच्छी तरह से मैनेज्ड बिजनेस में इतनी ताकत होती है कि लाखों लोगों को गरीबी से एक साथ उबारा जा सके, लेकिन मैनेजमेंट की कमजोर कड़ी हमारे सरकार के हाथों में पड़कर बरसों से निरस्त पड़ी हुई है। इसका एक नमूना दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी देखने को मिलता है। पूर्वी चंपारण में सीप ज्वेलरी के कारीगर के स्टॉल पर आते ही टाउन बेस्ड फैशन डिजाइनर्स की आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बेहतरीन क्वालिटी की सीप ज्वेलरी बहुत कम दामों पर उपलब्ध हो गई। नदी के किनारे मिलते सीप की ज्वेलरी का फैशन थोड़े थोड़े वक्त के बाद लौट कर आता है। एक फैशन शो या खास डिजाइन में इस्तेमाल के बाद ये लेटेस्ट ज्वेलरी ट्रेंड बन जाता है, लेकिन जो डिजाइनर्स इनका इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की ज्वेलरी को बाहर से मंगवाते हैं, यानी कि जो चीज देश के गांव में कम कीमत पर उपलब्ध हो सकती है सरकारी नीतियों में कमी और अनदेखी की वजह से लुप्त हो जाती है, और वही चीज बाहर से महंगे दामों में खरीद कर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ना तो इतने कारीगर बच रहे हैं और ना ही इतना संसाधन रह गया है। बताते हैं कि पूर्वी चंपारण में सीप ज्वेलरी के लगभग 500 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं। ना तो सही जानकारी और ना ही उपलब्धता की वजह से ये कला भी विलुप्त हो रहा है। इस जगह के बच्चे अब शहर जाकर या तो नौकरी करने लगे हैं या किसी और बिजनेस से जुड़ गए हैं। बिजनेस में वो पोटेंशियल है जो किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ वहाँ की गरीबी को पूरी तरह से मिटा सके। हमारे देश में अनदेखी की वजह से हस्तकला के क्षेत्र में इन पोटेंशियल्स में कमी नजर आती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का ध्यान इस तरफ खींचकर उन्हें यह एहसास दिलाएं कि हस्तकला के क्षेत्र में काम करना कितना जरूरी है। हस्तकला को एक सफल रोजगार का माध्यम बनाते हुए वैश्विक स्तर पर उसे पहचान दिलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए विषय पर, किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार।